तो साउथ इंडियन का बोलबाला रहा है पिछले 2-3 साल और 2024 में भी ये मूवीज पक्का धमाका कर देगी। सबसे पहले द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम थालापति विजय की मूवी वेंकट प्रभु के साथ। ये डायरेक्टर फेमस हुआ था अजित कुमार के साथ बनी मूवी मनकत्ता से, जो मुझे लगता है हर किसी को देखनी चाहिए। हिंदी डब में अवेलेबल है। वहाँ का सुपरस्टार अजित कुमार उसने पहली बार विलन का रोल किया, मतलब समझ लो सलमान खान शाहरुख खान बने अगर विलन तो उसी तरह तमिल का वो सुपरस्टार विलन बना था। वन ऑफ द बेस्ट मूवी का होगा मैं उस टाइम से, काफी अहेड ऑफ द टाइम मूवी थी वो कॉन्सेप्ट, और एक जो कॉन्सेप्ट यूनिक होते तो मजा आएगा मूवी देखने में। उसके बाद विदा मोया अर्ची, यह भी अजित कुमार की मूवी है। अजित कुमार डिसअपॉइंट कर रहे थोड़ी हुई कई सारी मूवीज। दरअसल मैं अजित कुमार को बहुत पसंद करता हूँ, उनकी जो मूवीज है वीरम आरंभम कई सारी मूवीज मुझे बहुत पसंद आई, लेकिन अजित कुमार का कुछ साल से मूवीज अच्छी नहीं आ रही है विवेकम रिलीज होने के बाद। तो होप है विदा मोया अर्ची से वो कम बैक करेगी। विद्युत अलय का दूसरा पार्ट, अब इस मूवी को मुझे लगता है ओवर हाइप करते हैं क्योंकि स्टोरी स्क्रीन प्ले सेम है इस मूवी का, लेकिन इशू जो है वो काफी लोगों को टच करके चला गया। लेकिन स्टोरी स्क्रीन प्ले देखोगे तो ऐसा बहुत प्रिडिक्टेबल स्टोरी और स्क्रीन प्ले, लेकिन मूवी ऐसे भी नहीं है, एकदम बिनो एवरेज। देखने में मजा आ गया, पहला पार्ट देख लो, और दूसरे पार्ट में मुझे लगता है कुछ इंटरेस्टिंग होगा। विक्ट्री मारन के सबसे मुझे पसंद है मूवी कोई तो वो है वाडा चेन्नई धनुष की। इसके बाद कंगो, इसका ग्लिम्स मुझे बहुत पसंद आया, बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट था, जो क्लियर रीडिंग थी, जो सूर्य की एक्टिंग थी रोल। इसके बाद तो सूर्य की एक अपने अलग फैन फॉलोइंग है, लेकिन ये मूवी बन रहे डायरेक्टर शिवा जिन्होंने विदलम वीरम जो किसी का भाई किसी का जान उसी के रीमेक थी वो मूवीज बनी है, तो वो सूर्य के साथ ये मूवी बन रही है और बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट लग रहा है। इसके बाद तंगलन, इस मूवी ने भी सबको अपना फैन बना लिया। चैन विक्रम का वो लोग जिस तरह वो सब खाते हैं वो काफी लोगों को पसंद आया। पारन जीत मूवी बना रहे जो पहले काला कबाली कई सारी मूवीज बना चुके हैं। इसके बाद कैप्टन मीनर अगन धनुष और जो विद्युत पार्ट दो बना रहे वेट्री मारन उन्हीं की मूवी है। पीरियड फिल्म है प्री इंडिपेंडेंस एरा के ऊपर, धनुष एक रिबेल का रोल प्ले कर रहे जो कॉलोनाइजर के साथ फाइट करते हुए दिखेगी। इसके बाद इंडियन टू, इंडियन मूवी सबको पसंद आएगी, इनफैक्ट मैंने कई बार देखी मूवी, आज भी हार्ट हिट करती है और इस मूवी का कब से इंतजार कर रहे हैं। फाइनली 25 साल बाद ये मूवी आ रही है और ये मूवी कई बार प्रोजेक्ट बंद हो चुका है ऐसे न्यूज आ गई थी और कई बार सच में बंद होने वाला था, लेकिन विक्रम के सक्सेस के बाद यानी जो कमल हासन के विक्रम ब्लॉकबस्टर होने के बाद इस फिल्म को रिबूट किया जा रहा है ऐसा कहा जा रहा है, और ऐसा भी कहा जा रहा है कि मूवी सीक्वल नहीं होगी। इसके बाद वेटायन, रजनीकांत और टीजे राजा की मूवी। आनंद सती इस मूवी को बॉयकॉट ट्रेंड चालू हो गया था क्योंकि शायद इसने जय भीम की मूवी बनाई थी जो सूर्या की मूवी है, और वो तमिल में वानियर नाम की जो एक कम्युनिटी है उनके खिलाफ ऐसा माना जाता है, तो उसी की वजह से इसका बॉयकॉट चालू हो गया था। लेकिन चलो इसमें फहद फासिल राणा दगोपत्ते कई स्टार है और जो इसके डायरेक्टर वो सीरियस फिल्म मेकर है, मतलब जय भीम जैसी वो मूवीज बनाते हैं, जो आपने देखे होगी तो पता है कितनी सीरियस मूवी है। लेकिन कहा जा रहा है कि वेटायन मूवी फैंस को देखते हुए स्टाइल और मास मूवमेंट के साथ बनाई जाएगी। अब जाहिर सी बात है रजनीकांत जी को ला रहे हैं तो स्टाइल तो लाना पड़ेगा। इसके बाद गुंतूर कारम, महेश बाबू की मूवी त्रिविक्रम के साथ आ रही है। शहजादा त्रिविक्रम की मूवी के रीमेक थी, काफी लोग अल्लू अर्जुन की वजह से उस मूवी को जानते हैं, लेकिन आपको त्रिविक्रम की राइटिंग डायरेक्टिंग भी माननी पड़ेगी शहजादा देखने के बाद, उनकी डायरेक्टिंग राइटिंग में कुछ आप जो सिंपल से सिंपल स्टोरी को भी बहुत बढ़िया माना देते हैं। तो उसी के साथ गुंतूर कारम मूवी आ रही है, इनकी एक और मूवी है चाहे तो देख लो यूट्यूब में हिंदी डब अवेलेबल है। खरीजा नाम से कई सालों बाद कम बैक फिर से कर रहे हैं ये कॉम्बिनेशन महेश बाबू और त्रिविक्रम का, और इसमें पूरे करते। इसके बाद सबसे अवेटेड मूवी हाई बजट मूवी जिससे प्रभास का असली कम बैक कह सकते हैं, कल की 2898 AD। सबसे अवेटेड पैन इंडिया फिल्म जो डिस्टोपियन वर्ल्ड में सेट है, जो भगवान कल्कि के ऊपर होगी, काली राक्षस भी होगा जो स्टोरी है, और प्रभास इसमें शायद भगवान कल्कि बन सकते हैं या फिर उन्हें से इंस्पायर कैरेक्टर होगा। अरुणा काश्यप से डायरेक्ट कर रहे हैं अमिताभ बच्चन, दीपिका पादुकोण, कमल हासन, दिलकर सलमान कई सारे बड़े बड़े नाम है, और पहली बार कुछ इंडिया से निकल कर आ रहे हैं ऐसा लोग कह रहे हैं। इसके बाद पुष्पा दुरूल, अल्लू अर्जुन की अलग पैन फॉलोइंग है नॉर्मे, मतलब पुष्पा मूवी अल्लू अर्जुन की वजह से फेमस हुई, और कोई भी मूवी होती अगर हिंदी डब में रिलीज होती तो उतना ही सक्सेस मिलती उस सबको, या अल्लू अर्जुन को भी पता नहीं होगा, लेकिन अल्लू अर्जुन को पता चल गया होगा कि उसका कितना क्रेज है नॉर्थ में। तो पुष्पा सुपर हिट हुई नॉर्थ बेल्ट में, पुष्पा 2 का सबको इंतजार है और जो 2024 में रिलीज होगी। इसके बाद गेम चेंजर, फाइनली SS राजामौली जी कई बड़े फिल्म मेकर से उन्हें की तरह के शंकर जिनके अपने आप परिचित कई सारी मूवी देखे होंगे इंडियन, उनकी मूवी आ रही है गेम चेंजर रामचरण के साथ और KR आडवाणी के साथ। मूवी अभी अंडर प्रोडक्शन है और फाइनल रिलीज नहीं पता, लेकिन 2024 में आएगी ऐसा कहा जा रहा है, और देखना इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि ऐसे शंकर जी के फिल्म ग्रैंड होते हैं और एक बड़ी स्टोरी होती है, मजा आता है देखने में। उसके बाद फैमिली डिस्टर्ब, विजय देवरकोंडा की मूवी फैमिली डिस्टर्ब, टाइगर के बाद विजय देवरकोंडा करते हुए डाउन फॉल समझ लो चल रहा है। मानने की खुशी मुझे एक अच्छी मूवी लगी थी, एक एवरेज मूवी कह लो, लेकिन इसमें मृणाल ठाकुर है और विजय इसमें एक फैमिली का बना है और हीरो को देखा है पहली बार फैमिली गाय को, तो देखना बढ़िया होगा, मतलब एकदम विजय देवरकोंडा करने वाली स्टोरी लगती है। इसके बाद बुद्ध चारी 2, मुझे इंडिया की पहली स्पाई मूवी पसंद आई थी, 2018 में निकली थी, बहुत पसंद किया था मैंने इस मूवी को, बहुत जितने बजट में वो मूवी बनी थी, जो मूवी का बैकग्राउंड म्यूजिक था सिनेमाटोग्राफी थी, मुझे बहुत पसंद आई थी ये मूवी। हिम कला G2 रखे ये नगो तैयारी 2 और मूवी प्रीक्वल कहा जा रही है। इसके बाद देवरा और तो शिव के पिछले मूवी आचार्य फ्लॉप हुई थी और घटिया मूवी थी। देवरा मूवी 2 पार्ट में हो गया, पहला पार्ट बनाते वक्त यानी ये मूवी 1 पार्ट में होने वाली थी, डायरेक्टर का आइडिया है कि ये मूवी 2 पार्ट में होनी चाहिए, इसलिए मूवी डिले हो गई और 2024 में मूवी रिलीज होगी। जानवी कपूर का डेब्यूट है तेलुगु में, यानी NTR जानवी कपूर देखेगी सैफ अली खान विलन के रोल में, और उम्मीद करता हूं अच्छी मूवी निकले आचार्य की तरह नहीं। इसके बाद उपेंद्र UI मूवी के साथ कमबैक करेंगे, कब्जा मूवी जो घटिया थी उसके बाद फाइनली कह सके उपेंद्र का
का अच्छा कमबैक हो। जैसे इंडियन नेक्स्ट बिग थिंग कहा गया था कब्जा। लिसन हो, यूआई का मुझे टीजर काफी पसंद आया था, सिर्फ ऑडियो चलाया था तो काफी यूनिक कॉन्सेप्ट लग रहे। देखेगा क्या देखने को मिलता है। मतलब उसका कॉन्सेप्ट आके बंद कर लो और जो मैं बोल रहा हूँ जो डायरेक्ट है इसके ऊपर तुम्हारी इमेजिनेशन बना लो, जैसा कुछ का कॉन्सेप्ट देख लो। उसके बाद रिचर्ड एंथनी इसका टीजर मुझे हॉलीवुड में लगा था और ये रक्षित शेट्टी का जो वो दबरे का दंते कैरेक्टर है उसके ऊपर बेस हो गए। यह मूवी 2 साल पहले अनाउंस हो चुकी थी और होमेबल टूमसे से बना रहे हैं। इसके बाद कंतारा चैप्टर 1 कंतारा सुपर हिट 15 करोड़ में बनी मूवी 300 करोड़ कमाने जिसके राइटर डायरेक्टर एक्टर थे ऋषभ शेट्टी। और ऐसा कुछ हमें देखना था जो लास्ट के 30 सेकंड आज भी मैंने बोल पाता क्या कुछ बंद दिए थे मूवी में, तो इसका चैप्टर 1 बन रहे हैं। जैसे आगे राइटर डायरेक्टर है ऋषभ शेट्टी। 2024 में मूवी रिलीज होगी, बजट अच्छा खासा मिला है मूवी को और नो डाउट मूवी सक्सेसफुल होगी। इसके बाद वगैरह जिसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, एक रूटीन मूवी लग रही है। जब टेम्पलेट कलर रीडिंग है इसमें चैन शाह और अमिताभ बच्चन की थीम दिख रही है। अब मूवी आने के बाद देखेंगे क्या देखने को मिलता है। कलर रीडिंग मुझे पसंद आई थी, खेलो सिनेमाटोग्राफी और क्लियरिटी जो देखने को मिले थे, तो देखेंगे क्या देखने को मिलता है। इसके बाद लिजो जो दिल्ली से रही मलाई कोटे वालिबन इस डायरेक्टर की आपने मूवी देखी होगी दृश्यम। ओरिजिनल मूवी इन्होंने बनाई, कई सारी बढ़िया मूवीज ही बनाती है, एक भी मूवी इनके खराब नहीं है। वो मूवी बना रही बेस्ट एक्टर मोहनलाल के साथ और एक चीन सब्सटेंस में सभी भी बनाए की मूवी क्या होगी। और उसी तरह मोमबत्ती मलयालम की सुपरस्टार भूतकलम मूवी ला रहे हैं जिसमें मोमबत्ती की स्माइल यार देखकर मूवी देखने का मजा हो रहा है। क्या कैरेक्टर दिख रहा है, फोटो से आप इमेजिनेशन कर सकते हो क्या नहीं उनकी मूवी को और क्या कैरेक्टर होगा ये। और सैड भी लग रही है कि पैन इंडिया नहीं आ रही है, तो काफी लोग एक मूवी मिस करने वाले हैं। इसके बाद आतू जीवितम इस मूवी को मैंने इसलिए रखा क्योंकि पृथ्वीराज सुकुमारन का बेस्ट परफॉर्मेंस लग रहा है। द गुड लेप मूवी का नाम है, माइल्डली इमिग्रेंट लेबरर की कहानी होती है, रियल लाइफ से इंस्पायर है और टीजर मुझे काफी अच्छा लगा था, तो मैं रिकमेंड करूंगा आए तब देखना। इसके बाद आ जाते रंदम मोशन टोविनो थॉमस की मूवी है, मे मूवी रिलीज होगी। फैंटेसी पीरियड ड्रामा है और मुझे इसका बहुत ट्रेलर पसंद आया था। टोविनो थॉमस का लुक जो सिनेमाटोग्राफी है, एक जो मुझे मूवी पसंद आई थी रक्षित शेट्टी की एडवेंचर ऑफ श्रीमान नारायण उसी की तरह दिख रही है। देखेगा क्या है रिलीज होने के बाद मूवी। तो और ये 30 साल के आने वाले सभी मूवीज जो मुझे इंटरेस्टिंग लगी सभी इंडस्ट्रीज की इतनी मेहनत की है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो सब्सक्राइब करो।